नूरपुर उपमंडल के सीबीएसई और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित निजी स्कूलों के द्वारा नूरपुर के एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर को मॉनसून की छुट्टियों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि मॉनसून की छुट्टियां बरसात में होनी चाहिए, ना कि गर्मियों में। उनका कहना है कि निजी स्कूलों के पास अपनी बसें हैं, बरसात जब होती है तो बसें चलाने में दिक्कतें पेश आती हैं, उसमें स्कूल के बच्चों की सेफ्टी और बसों की सेफ्टी भी शामिल रहती है। नूरपुर उपमंडल के सीबीएसई और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित निजी स्कूल जो मान्यता प्राप्त हैं के द्वारा नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर को मॉनसून की छुट्टियों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि जो मॉनसून की छुट्टियां हैं बरसात में होनी चाहिए, ना कि गर्मियों में। ये कहना है अरविंद डोगरा का। उन्होंने कहा कि क्योंकि निजी स्कूल की अपनी बसें हैं, बरसात जब होती है तो बसें चलने में काफी दिक्कतें पेश आती हैं, उसमें स्कूल के बच्चों की सेफ्टी, बसों की सेफ्टी सभी शामिल होती हैं। पिछली बार भी सरकार के आदेश का पालन किया गया था, जून से अगस्त तक छुट्टियां की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से अगस्त में लगभग 6 दिन के लिए स्कूल बंद रखने पड़े थे। निजी स्कूल ने ज्ञापन में एसडीएम नूरपुर को बता दिया है कि इस बार स्कूल द्वारा 12 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक छुट्टियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बार उपमंडल नूरपुर में निजी स्कूल इन छुट्टियों के दौरान बंद रहेंगे, ना कि सरकार द्वारा दी जाने वाली छुट्टियों के आधार पर। जो है जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स है और जो एचपी बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स है, उन्होंने एक मेमोरेंडम या एक उनको रिकॉर्ड के लिए बताया है कि जो मानसून वेकेशन है वो मानसून में होनी चाहिए, ना कि गर्मी में होनी चाहिए। क्योंकि हम प्राइवेट स्कूलों की, मैक्सिमम स्कूलों की जो अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं या बसेज हैं, तो बरसात जब होती है तो हमें बसें चलाने में बड़ी मुश्किल होती है, उसमें बच्चों की सेफ्टी और स्कूल के बच्चों की सेफ्टी, बसेस की सेफ्टी सभी इन्वॉल्व होती है और एट द स्टेक्स होती है। लास्ट ईयर हमने गवर्नमेंट का शेड्यूल फॉलो किया था जून से 1 अगस्त तक, तो अगस्त में हमें 5-6 दिन के लिए स्कूल फिर बंद करने पड़े थे बरसात की वजह से। तो हमने इससे कहा है कि हम लोग इस बार जो है 12 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक छुट्टियां डिक्लेयर करेंगे। ये हमने एसडीएम साहब को बता दिया है कि नूरपुर सब डिवीज़न के स्कूल जो है वो ये छुट्टियों का शेड्यूल फॉलो करेंगे, ना कि हम गवर्नमेंट का करेंगे, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां थोड़ी हैं हिमाचल में, तो बरसात की छुट्टियाँ तो बरसात में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 12 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का इन्फॉर्मेशन बताई है। किरण पठानिया ने बताया कि पिछली बार जब अंतिम समय पर छुट्टी दी गई थी तो बहुत समस्याएं आई थी। एक दिन पहले रात को ही पता चला था कि कल छुट्टी है, या सुबह ही पता चलता था कि आज छुट्टी है। उस समय बच्चों के अभिभावकों को बताने में कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। जैसे बोलते हैं कि लास्ट टाइम जैसे वेकेशंस डिक्लेयर हुई थी तो एक और बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि जैसे बोलते नाइट को ही हमें पता लगता है कि अब इन्फॉर्मेशन की कल हॉलीडे है, या मॉर्निंग में 6 o'clock पता लगता है कि आज छुट्टी या डिक्लेयर हो जाती है, तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना इमीजिएटली हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कि पेरेंट्स कई बार होता है सर्वर डाउन होता है या मैसेज डिक्लेयर पहुँच नहीं पाता पेरेंट्स पर, फिर हमें कंप्लेन करते हैं कि मैम आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया वैलेंटाइन पे, हमारे बच्चे रोड पे खड़े रहे, वो गीले होते रहे। कई बार बच्चे नेचुरली जब वो घर से निकल चुके होते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, वो मतलब मैसेज कन्वे भी नहीं हो पाता पेरेंट्स को इमीजिएटली ना। वहीं नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि नूरपुर उपमंडल के जितने भी निजी स्कूल हैं उनकी तरफ से ज्ञापन सौंप दिया गया है, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि छुट्टियों के समय को मॉनसून के समय दिया जाए। यह ज्ञापन आगे डीसी कांगड़ा को भेज दिया गया है। आज नूरपुर इलाके के जो जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तरफ से एक ज्ञापन मुझे दिया गया है, जिसमें सरकार से मांग की है कि जो छुट्टियों की टाइमिंग है वो एग्जैक्ट जो मानसून ब्रेक है मानसून के समय में ही मिले। इसके रिगार्डिंग ये मैंने ये जो ज्ञापन है ये मेरे डी साहब कांगड़ा को भेज दिया।